छोटी सी गेम हो जाए, मैं कुछ मिसरे बोलूंगा, अच्छा, आपने मुकम्मल करने हैं, और अगर हो सके शायर का नाम भी बता दीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। लेट्स ट्राई। बादशाह बैग में पैक करके दे देंगे आपको। ए मरी हमरक्स मुझको थाम ले। ये मिसरा मुकम्मल नहीं है। मिसरा मुकम्मल है, आपने दूसरा मिसरा मुकम्मल करना है। ए मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, मुझे ये पीने दे खुद भी जाम ले। लेकिन वो दूसरा मिसरा है, ए मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं। वाह वाह। और ये मेरा ख्याल अंदाज है नून मीम राशिद। आए क्या बात। और ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे। खैर, फैज अहमद फैज। वाह वाह वाह। एमिनी दो शादियां हुई। सुने फैज अहमद फैज, बेफैज। काश मैं तेरे भुने गोश्त, मेरे मतलब है काश मैं तेरे भुने गोश्त में बूंदा होता। हाँ, ये इसी तर्ज पर वसी शाह साहब ने भी कहा, असल शायर मजीद अमजद गालिबन उनका नाम है। अरे वाह वाह, वसी शाह साहब के घर तक पहुंच गए। उधर काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, और ये भी काश मैं तेरे बुनगोश का बुंदा होता। होमवर्क ताड़ा पूरा है। नहीं लिखिया वसी शाह ने भी चंगा, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, मैं वेच के घर का किराया देना। मैंने इस तौर से चाहा तुझे अक्सर जाना, जैसे महताब को बेअंत समंदर चाहे। और मोहसिन नकवी गालिबन ये है। क्या बात, क्या बात है यार। अदाए खास से हुआ है नुक्ता सरा। दूसरा मिसरा अटक रहा है, लेकिन गालिब है ये गालिब है, आधे पहुंच गए। दूसरा मिसरा सलाए आम है याराने नुक्ता दां के लिए। वाह वाह वाह, के लिए क्या बात है, मशहूर मिसरा। वाह वाह, इकरार ने सोचा है ना गालिब दा, पहले कहना चाहिए सी है गालबन गालब। नहीं साहब, अब आपकी बारी है, आपसे भी यही वाली गेम खेलेंगे, लेकिन मैं कुछ उनवान बताऊंगा, आपने कॉलम निगार का नाम बताना है। उनवान है हर्फ तमन्ना। आई थिंक ये इरशाद अहमद हकानी साहब। ओए होए 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 होए, एक तवील अरसा जंग का पहला कॉलम हुआ करता था ये। और हर्फ तमन्ना भी गालिब की इस्तलाह है जी। अरे वाह क्या बात, वो हर्फ कि जिसमें तमन्ना का इजहार किया जाए, जिसमें आरजू हो, जिसमें उमंग हो। रोजने जिंदा अताउल कासमी साहब। अरे वाह, और ये फैज साहब की इस्तलाह है, खुला जो रोजने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, जो जेल में उन्होंने लिखा था। एक वाँ वाँ। क्या बात जी, बिल्कुल ये जेल में लिखा था, और इसका आसान मतलब ये है जेल की खिड़की। पुरसशे अहवाल, ये तो काफी अरसे से मेरे ख्याल छप नहीं रहा। अह फंस गए, फंस गए। लेकिन ये सारे आप जो है ना वो शोरा की तराकीब वाले कॉलम निकाल रहे हैं, ये गालिब की है, गालिबन गालिब की तरकीब है। गालिबन गालिब की। चलें हिंट दे दूं, हिंट दे दूं। जुगनी आलम लोअर द कॉलम। ए मेरे पीर वाली जुगनी जी, दम गुटकू दम गुटकू। चरसा ले बादशाह भी नहीं, चिमटे वाले बादशाह। किस तरह तू आखे ना दम गुटकू, माड़ा दिल कर दिया गल कुटकू। पुरसशे अहवाल, किसी का हाल पूछना, आगाही हालात से आगाही। जी जी, कहते तो एक और हिंट दे देते। हाँ प्लीज प्लीज। इनकी सगी बेटी, सगी बेटी बहुत बड़ी वेटरन आर्टिस्ट है, जिन्होंने अपने कॉलमों में साहिर लुधियानवी साहब के बड़े किस्से बयान किए, हमीद अख्तर साहब। क्या कैरेक्टर है जी, वाह वाह वाह। सवेरे सवेरे नजीर नाजी साहब। अरे वाह, उर्दू के बेहतरीन कॉलम निगार, गिरेबान। मैं कोई है, द वन एंड ओनली सर मुन्नू भाई। वो कौन से कॉलम निगार थे जिन्होंने कंकरियां मारी हुक्मरानों को भी, सिविलियन को भी, और नॉन सिविलियन को भी। उधर तुम इधर हम, अब्बास। क्या बात, हाय 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 हाय, पहुंच गए। ते जांदे जांदे दसो गए तौफीकात कौन लिखता है, जेड़ा खद ते पावियां दी ज्यादा गल्लां कर रहा। खद कर दी आप खद कर दी। तो ऐसे खादी होगी हमारे हर दिल अजीज तौफीक बरसा। आहा क्या बात। ते फिर चलो जा ही रहे हैं, अभी दस दियो फुटपाथ। बहुत मुश्किल सवाल, कई दफा दसया, कई दफा। One and only Tyre Server में। क्या बात, क्या बात। मेरा सवाल नईम हनीफ साहब से है,
कि एक तरफ अगर अदाकारा मीरा और दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो, तो सबसे पहले आप कहाँ पर रिपोर्टर भेजेंगे? ज़ाहिर है मीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि चौधरी परवेज लाई और मीरा में मुझे तो कोई खास फर्क नजर नहीं आता। जिस तरह से मीरा बात करके मुकर जाती है, उसी तरह चौधरी परवेज लाई जो है पीडीएम से कमिटमेंट करके मुकर गए और वो उधर जाके पीटीआई के वजीर आला बन गए, तो मीरा पे कैमरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुसी तको ना मीरा दी आज तक इंग्लिश दी समझ नहीं आई, ते चौधरी दी बांह टूटी सी वो भी समझ नहीं आई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब सियासत की मीरा है? जी आप कह सकते इकरार साहब, आपके दो बेगमात हैं, आजकल जो महंगाई का दौर चल रहा है, तो आप क्या दोनों को खुश रख सकते हैं? दोनों वाइफ्स मुझे मैनेज करती हैं असल में। मैं समझता हूँ अभी, और ये बड़ी संजीदा और ऑनेस्ट बात है, कि इन दो शादी मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, मुझसे कोई दोस्त भी इस पर बात करे और मैं ऑन कैमरा भी कभी, ज़ाहिर हमारी सोसाइटी शायद इसके लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन अब खुदा ने मुझसे अच्छा फ़ैसला करवा लिया और इसका क्रेडिट मेरी दोनों बेगमात को जाता है। मैं अगर कहूँ जी मैंने बहुत खुश रखा हुआ है तो शायद गलत नहीं है, वो दोनों राजी बरज़ा रहने वाली ख़वातीन हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मामला ज़रा क्या बात चल रहा है। प्रिंग टम डम 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 डम, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आके परवाने, भाईजान कौन है आप? मैं मम्मी हूँ, मम्मी इन्वेस्टिगेट मम्मी। इन्वेस्टिगेटिव मम्मी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इंतजार आभासी। मैं पूरे ग्रुप के क्राइम सेल का इंचार्ज था। फिर क्या हुआ, कैसे मर गए तुम? मैंने बड़े बड़े मुजरिमों को बेनकाब किया। तो फिर तुम्हें मारा किसने? कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने कभी बेबसी ने मारा। भाई सागर सिद्दीकी के सिगरेट ना बनो और ये बताओ कि हुआ क्या था? मैंने एक माफिया पर हाथ डाला, मेरे कैरियर की वो सबसे बड़ी स्टोरी थी। फिर क्या हुआ? तो माफिया मालकान का वाकिफ निकल आया। फिर क्यों हुआ? मेरी स्टोरी भी किल हो गई और मैं भी किल हो गया। तेनु फिर कहना चाहिए था, किल का मामला है। बड़ी लकी मम्मी है। आप ते मर गए, ये था पुत्र बादशाह लग गया सुपर। जाने से पहले एक दफा फिर आपकी भरपूर तालियों में इकरारुल हसन। अच्छा सा